सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री मोदी ने की नारी शक्ति की तारीफ, बोले आज भारत के जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है हमारी नारी शक्ति का है। अमित शाह ने बीदर में फहराया 103 फीट का ऊंचा तिरंगा, बोले 2.5 फीट ऊंचा झंडा लगाने पर यहां निजाम ने कत्लेआम किया था। राहुल गांधी के समर्थन पर हरियाणा पुलिस का एक्शन, युवा प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि राजा समेत 11 पर एफआईआर दर्ज। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले जब शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया तब कोई केस नहीं हुआ। राहुल की सदस्यता को लेकर काले कपड़े पहनकर संसद में कांग्रेस ने किया विरोध, सांसद विपक्षी दलों से भी किया आग्रह। उद्धव ठाकरे ने राहुल को चेताया, कहा सावरकर हमारे आदर्श, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र पर कसा तंज, कहा राजीव सोनिया को पीएम ने कहे अपशब्द, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बोले इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दा नहीं। पश्चिम बंगाल के मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने सीएम ममता को बताया भगवान, भाजपा बोली हताश निराश हो गए टीएमसी के नेता। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के किसानों के साथ की आने की अपील, कहा यहां भी पंचायत चुनाव लड़ेगी बीआरएस। अमित मालवीय का प्रियंका पर निशाना, राहुल की डिग्री के बारे में झूठ बोलने का लगाया आरोप। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोले पी चिदंबरम, कहा 2024 में कांग्रेस को मिलेगी और मजबूती। मालेगांव रैली में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को कहा गद्दार, बीजेपी विरोधियों को डराकर अपने दल में शामिल करती है। केरल में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग, एक ट्रेनी घायल, मार्च महीने की यह दूसरी ऐसी घटना है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस मतलब करप्शन, ये अति पिछड़ों की जाति सूचक गाली देते हैं और माफी नहीं मांगती। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा बोले राहुल गांधी के साथ न्याय होगा, आरिफ को इनाम की जगह डरा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकी, अपार्टमेंट के लिए जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करा, 50 लाख हड़पे, एफआईआर दर्ज। अयोध्या के महंत मिथिलेश नंदिनी ने कहा सड़क पानी मुद्दा तो राम क्यों नहीं, जिसे राम से आनंद नहीं है वो जांच कराएं। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष पहुंचे मथुरा, वृंदावन में की यमुना की आरती, यमुना की दुर्दशा से आहत नजर आए चिदानंद मुनि। अति की
पत्नी की पहली बार बिना बुरके की फोटो। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आगरा में व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर फंदे पर लटकती विवाहिता, लिखा हम पे बीता तब हमने जाना कि इंसान पंखे से क्यों लटकता है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता को दौड़ाकर पीटा, महिलाओं ने कपड़े फाड़कर सिर फोड़ दिया, दुकान को लेकर हुआ था झगड़ा। मायके आई बेटी का मंगलसूत्र छीनकर भागे बदमाश, मेरठ में घर से बाहर टहल रही थी बाइक सवार दो युवकों ने पुलिस के चौकी के पास छीना की है। अयोध्या धाम में 3 दिन रहेगा रूट डायवर्जन, रामनगरी में भारी संख्या में ट्रैफिक, पुलिस की रहेगी तैनाती। हरदोई में बच्ची से रेप की कोशिश, दो किशोर बहला फुसलाकर ले गए गेहूं के खेत में, शोर मचाने पर हुए फरार। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा, लखनऊ और नोएडा में कई ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला जो दूसरे के नाम से ली गई है। कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन से झुलसे दो मासूम, छत पर खेलते समय हवा चलने से हुआ हादसा, दोनों बच्चे गोरखपुर रेफर किए गए। आजमगढ़ कमिश्नर ने की समीक्षा बैठक, बोले वसूली में सहयोग न करने वालों की प्रॉपर्टी अटैच करें, कब्जे से जमीन मुक्त कराएं। कानपुर में 24 घंटे में 3 कोविड पॉजिटिव, सीएमओ ने अस्पतालों में जारी किया अलर्ट, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। उन्नाव में घर पर लगा ताला, अंदर फांसी पर लटका मिला शव, युवक की पत्नी और मां ने एक दूसरे पर लगाया हत्या का आरोप। बिजनौर में नाबालिग छात्रा से कार में रेप, एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार, स्कूल जाते हुए रोका था, किशोरी से थी जान पहचान। अयोध्या में सीएमएस कोरोना संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, रैंडम जांच में पॉजिटिव आए। शिक्षा मित्रों ने 6 सूत्रीय मांग, भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा, सीएम योगी से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का किया अनुरोध। लखनऊ के बिल्डर फहद याजदानी भगोड़ा घोषित, मुनादी कर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, 24 को दर्ज हुआ केस, 6 माह पहले ज्वेलर्स दुकान से जेवर चुराने के 2 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में विवाहिता के संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस जता रही है आत्महत्या की आशंका। खिचड़ी खाने से 18 समेत 20 बच्चों की तबियत बिगड़ी, सीएमएस बोले 3 बच्चों की हालत गंभीर, नवरात्रि में भंडारे का हुआ था आयोजन। अनुसूचित जाति जनजाति की विशाल रैली का होगा आयोजन, अजाजस परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया रैली में आने का निमंत्रण। शहीदों के नाम पर विकास कार्यों का होगा नामकरण, गाजीपुर जिला पंचायत ने लिया ऐतिहासिक निर्णय, 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आगरा में बारिश के चलते किसान परेशान, बोले आसमान से बरसी आफत, कम से कम पीड़ित किसानों को सरकार मुआवजा दे।
नोएडा पुलिस ने दो शरारती चोरों को किया गिरफ्तार। बंद पड़ी फैक्ट्रियों में वारदात को देते थे अंजाम, रैकी करने के बाद करते थे चोरी। रिटायर आईपीएस बनकर झांसी एसएसपी को धमकाया, बोला महिला सिपाही का प्रेमनगर थाना से ट्रांसफर कर तुरंत अवगत कराएं। इटावा में घर तक पशुओं का इलाज करने पहुंचेगी वैन, पशु उपचार पशुपालकों के द्वार योजना की शुरुआत, जिले को मिलेगी 5 मिलिट्री वैन। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी में रबड़ा के फाटक खुले, नगर पंचायत नया गांव ने यूपी के लेजर लाइट शो एंड साउंड शो पर लगाया ग्रहण। प्रतापगढ़ नवरात्र महोत्सव की धूम, मैया कल्याण धाम से नवरात्रि की पंचमी पर माता और कल्लाजी की निकली शोभा यात्रा। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश सरकार कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में कांग्रेस का सत्याग्रह, सत्याग्रह में शामिल हरक सिंह रावत सहित कई कांग्रेसी गिरफ्तार। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, सीएम धामी ने जानी प्रोग्रेस रिपोर्ट। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी, पुलिस विभाग में हड़कंप। दो राज्यों के बीच लटका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम, मुख्यमंत्री धामी ने की सीएम योगी से बात। उत्तराखंड में G20 बैठक को लेकर एसएफएफजी की धमकी, कई नंबरों से जा रहे लोगों को कॉल, पुलिस अलर्ट। चारधाम यात्रा के लिए 6.5 लाख से अधिक यात्री कर चुके पंजीकरण, अप्रैल माह पहले सप्ताह से आएगी और तेजी। उत्तराखंड में निजी भूमि पर पेड़ काटने का अब नहीं होगी जेल, एक्ट में संशोधन, लागू करने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। हरिद्वार जाने के लिए निकला था पौड़ी का युवक, संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। उत्तराखंड आयोग ने दिए क्रिकेट कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश, वायरल ऑडियो का लिया संज्ञान। सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवक चलता रहा चाल, युवती को उससे के जन्मदिन पर बुलाकर की घिनौनी हरकत। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों से धोखाधड़ी में फंसे कालिंदी अस्पताल के चेयरमैन, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में वीवी के कॉपर्स फंड से रकम निकालकर बना दी बिल्डिंग, 50 करोड़ का घोटाला आया सामने। उत्तराखंड में बॉर्डर चेक पोस्ट के पास चस्पा के अमृतपाल के पोस्टर, नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट पर है पुलिस। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, सरकारी अस्पतालों में तीनों वैक्सीन खत्म, अब दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग, 3 लोगों के बीच हुई गोलीबारी में 2 गंभीर रूप से घायल।
पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह का विवादित बयान, बोले देश की राजनीति को उस बिंदु पर ले गया जहां इमरान की हत्या होगी या हमारी। इमरान खान ने तालिबानियों से की सिफारिश, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में देनी चाहिए मान्यता। अमेरिका में टेक ऑफ से पहले इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश, 3 घंटे लेट हुई फ्लाइट, आरोपी गिरफ्तार। इमरान को सजा न मिलने पर मरियम नवाज शरीफ का तंज, बोली इमरान खान को अभी भी लाडला माना जा रहा है। तिब्बत का तीसरा धर्म गुरु होगा 8 साल का मंगोलियाई बच्चा, दलाई लामा ने हिमाचल में पूरी कराई रस्में, कहा बच्चे का मंगोलिया में मिलना शुभ है। सुधरने का नाम नहीं ले रहा तानाशाह किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी ब्लास्टिक मिसाइल। मिस्र में पुरातत्वविदों को मिली बड़ी सफलता, मंदिर में मिले 2000 से अधिक भेड़ों के ममी, अमेरिका के पुरातत्वविदों ने की खोज। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को हटाया, विवादित कानूनों को लेकर दिया था बयान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हथियार वाली घोषणा से यूक्रेन की नींद उड़ी, यूएनएससी से की आपात बैठक बुलाने की मांग। स्विफ्ट का नया वेरिएंट लॉन्च, स्पोर्टी डिजाइन के साथ 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ट्विटर एम्प्लॉयज को मिलेगा स्टॉक ग्रांट, मस्क इसे $20 बिलियन के वैल्यूएशन पर देंगे, कंपनी में अभी भी करीब 2000 कर्मचारी। सॉफ्ट ड्रिंक के बाद होम केयर सेगमेंट में छिड़ेगा प्राइस वॉर, रिलायंस के प्रोडक्ट 30 से 35% सस्ते, एचयूएल जैसी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी। पाकिस्तान को लगा एक और झटका, अब देशों को होने वाले निर्यात में आई बड़ी गिरावट। फर्स्ट सिटीजन ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा, वित्तीय संकट में फंसे बैंक का बना तारणहार। सिगरेट पान मसाला और तंबाकू के जीएसटी पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। वित्त वर्ष 2024 के लिए एलआईसी का बड़ा प्लान, रिकॉर्ड 2.4 ट्रिलियन रुपए का करेगा निवेश। दक्षिण भारत को एक बार फिर मिलने जा रहा है वंदे भारत का तोहफा, तेलंगाना में चलेगी 2 और वंदे भारत ट्रेन। एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के प्लेन को हवा में टकराने की हद तक पास आने का मामला, अब डीजीसीए ने मांगी जानकारी। बैंकिंग संकट का असर, जर्मनी के डेच बैंक के शेयरों में 14% की तेज गिरावट दर्ज। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जीती T20 सीरीज, दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराए, 2-0 से बढ़ाई बढ़त। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी नई जर्सी का किया अनावरण, आंद्रे रसेल के जैसे खिलाड़ी टीम की नई जर्सी में नजर आ रहे हैं।
सचिन तेंदुलकर ने मां के साथ शेयर किया इमोशनल वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता स्विस ओपन, चाइनीज जोड़ी के वो फाइनल में हराया। बल्ली ने मचाई तबाही, ठोकी वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे तेज टी20 आई सेंचुरी, टूटा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस बनी WPL की पहली चैंपियन, फाइनल में दिल्ली को 7 विकेट से हराए, हेली मैथ्यूज रही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। साउथ अफ्रीका ने चेज किया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, डिकॉक का 44 गेंद में शतक, जॉनसन चार्ल्स ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन ने जीता लगातार दूसरा गोल्ड, मैरीकॉम के बाद ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय। तलाक पर शिखर धवन ने तोड़ी चुप्पी, कहा पहली शादी की गलतियां दूसरी में नहीं दोहराऊंगा। BCCI ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, जडेजा को मिला प्रमोशन, रोहित कोहली और बुमराह के साथ A+ ग्रेड में आए। विवेक अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज, बोले अब विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। कपिल शर्मा ने शेयर किया बचपन का किस्सा, बोले मैंने जीभ सब्जी के ठेले को लड़ा दी थी, पापा ने मुझे बहुत मारा था। रूमर्स के बीच मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची परिणीति, ब्लैक आउटफिट में आई नजर, यूजर्स ने लगाए सगाई के कयास। गोविंदा से नाराज है सुनील शेट्टी, का वो एक्टिंग के भगवान है और अब तक के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक। ऋषि कपूर के बारे में बोलते हुए इमोशनल हुए राकेश रोशन, बोले हम 3-4 जन हैं जो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मिला करते थे। सात अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म गुमराह, फिल्म के प्रमोशन के लिए क्लासी लुक में साथ नजर आए मृणाल ठाकुर, आदित्य राय कपूर। मलयालम एक्टर पूर्व MP इनोसेंट वरीद ठेके थाला नहीं रहे, अस्पताल ने कहा दिल का दौरा, मौत की वजह बॉडी पार्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने किया सुसाइड, रात में होटल में आई, सुबह बॉडी फंदे से लटकती मिली, जांच में जुटी पुलिस। जल्द एंगेजमेंट कर सकते हैं राघव परिणीति, दोनों का परिवार एक दूसरे के टच में हो सकती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। साउथ सुपरस्टार नानी ने किया दसरा का प्रमोशन, जयपुर के फेमस 5 चक्का जीप पर कॉलेज इवेंट में की ग्रैंड एंट्री, हवा महल भी देखा। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।